बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 200 वर्ड्स मीनिंग। अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स भी होने चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, पता होंगे, तो आप उन्हें स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छी जगह पर यूज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है मूव। मूव का मतलब होता है हिलना। जैसे इसे यहाँ से हिलाओ, इसे यहाँ से हिलाओ। मूव दिस फ्रॉम हियर, मूव दिस फ्रॉम हियर। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वर्ड्स मीनिंग या फिर इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वीडियोस आपको चाहिए वो आपको इस चैनल पे बहुत इजीली मिलते रहे। गो का मतलब जाना, यू कैन गो मतलब तुम जा सकते हो। ईट, ईट का मतलब होता है खाना। जैसे मुझे वो खाना है, मुझे वो खाना है। आई वॉन्ट टू ईट दैट, आई वॉन्ट टू ईट दैट। वॉन्ट टू का मतलब होता है कोई भी चीज जब आपको खुद करना है तब आपको वॉन्ट टू का यूज करना है। वॉक, वॉक का मतलब होता है चलना। जैसे तुम्हें सुबह चलना चाहिए, तुम्हें सुबह चलना चाहिए। यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब होता है पीना। जैसे मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। वाटर का मतलब पानी। सी, सी मतलब देखना। जैसे वहां देखो, सी देयर, सी देयर। लुक, लुक का मतलब भी होता है देखना। उसे देखो, लुक हिम, लुक हिम। वॉच, वॉच का भी मतलब होता है देखना। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। वॉच के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है क्योंकि वो कोई काम कर रहा है, इसलिए आई एम वॉचिंग टीवी। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, कोई भी चीजों को लिखना। जैसे मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। आई हैव टू राइट, आई हैव टू राइट। रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। जैसे वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। He is reading a book, he is reading a book। Think, think का मतलब होता है सोचना। जैसे बहुत बार हम सोचते हैं अपने माइंड में। तुम क्या सोच रहे हो, What are you thinking, what are you thinking। अब यहाँ पर हम कुछ पूछ रहे हैं, इसके लिए लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। जैसे इंग्लिश बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज स्पीक इंग्लिश। टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना, कोई भी बात करना। मुझसे बात करो, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी। गेट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना। जैसे हम सुबह सोए रहते हैं तब हम उठते हैं। उठ जाओ, प्लीज गेट अप, प्लीज गेट अप। स्लीप, स्लीप का मतलब होता है सोना। जैसे वो सो जाएगा, वो सो जाएगा। ही विल स्लीप, ही विल स्लीप। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, खड़े होना। बच्चे खड़े हो गए, चिल्ड्रन स्टूड, चिल्ड्रन स्टूड। सीट, सीट का मतलब होता है बैठना। वहां जाकर बैठो, वहां जाकर बैठो। प्लीज गो एंड सीट देयर, प्लीज गो एंड सीट देयर। कम, कम का मतलब होता है आना। जैसे वो यहां आएगा, वो यहां आएगा। ही विल कम हियर, ही विल कम हियर।
लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, जैसे वो हंस रहा था, वो हंस रहा था। ही वॉज लाफिंग, ही वॉज लाफिंग। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, कोई भी बातों को, कोई भी कामों को सीखना। उसे भी सीखना है, उसे भी सीखना है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लर्न, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू लर्न। ऑल्सो का मतलब होता है भी। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, जैसे वो मुझसे पूछ रहा था, वो मुझसे पूछ रहा था। ही वॉज आस्किंग टू मी, ही वॉज आस्किंग टू मी। से का मतलब होता है कहना, जैसे वो मुझसे कहने वाला है, वो मुझसे कहने वाला है। ही इज अबाउट टू से मी, ही इज अबाउट टू से मी। टेल, टेल का मतलब होता है बताना, बताना। वो मुझे बताने वाला था, वो मुझे बताने वाला था। ही वॉज अबाउट टू टेल मी, ही वॉज अबाउट टू टेल मी। जब आपको कोई भी काम करने वाला था या करने वाला है, तब आपको इज एम आर या फिर वॉज अबाउट टू का यूज करना ही है। आई, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, इसका मतलब होता है मैं, मैं। यू, यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। वी, वी का मतलब होता है हम। आपको बहुत बार बोलना होता है ना कि हम एक साथ हैं, ऐसे। दे, दे का मतलब होता है वे लोग, वे लोग। ही आपने बहुत बार सुना है, जो मेल के लिए यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है वह, जिसका मतलब है पुरुष। शी का मतलब होता है लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं, तो इसका भी मतलब वह होता है लेकिन लड़की के लिए यूज किया जाता है। अगला है हमारा इट। इट का यूज किया जाता है यह बोलने के लिए, यह। आवर, आवर का मतलब होता है हमारा, हमारा। योर, योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर तुम्हारी। देयर, देयर का मतलब होता है उनका, उनका। हिज भी लड़के के लिए यूज किया जाता है, जब आपको उसका तब बोलना होता है तब। हर का भी मतलब होता है उसकी, जिसको लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी, जब आपको बोलना होता ना ये ड्रेस उसकी है, तब आपको हर का यूज करना है वहां पे। इट्स का यूज किया जाता है इसका बोलने के लिए। अस का यूज किया जाता है हम। मी का यूज किया जाता है मुझे बोलने के लिए, मुझे। देम का यूज किया जाता है उन्हें बोलने के लिए, उन्हें। हिज का किया जाता है यूज उसे बोलने के लिए, और हर का यूज किया जाता है उसके बोलने के लिए। अगला है हमारा हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का यूज किया जाता है कितनी देर, ये बोलने के लिए। दिस का यूज किया जाता है इस बोलने के लिए, इस। दैट का यूज किया जाता है वह बोलने के लिए। दिस का यूज किया जाता है इन बोलने के लिए। दोस्त का यूज किया जाता है वे बोलने के लिए। एनी वन का यूज किया जाता है कोई भी बोलने के लिए, कोई भी। वॉट का यूज किया जाता है क्या बोलने के लिए। हु का यूज किया जाता है कौन बोलने के लिए। विच का यूज किया जाता है कौन सा बोलने के लिए। वाई का यूज किया जाता है क्यों बोलने के लिए। वेन का यूज किया जाता है कब बोलने के लिए। हाउ का यूज किया जाता है कैसे बोलने के लिए। हुज का यूज किया जाता है किसका बोलने के लिए। हुम का यूज किया जाता है किसको बोलने के लिए। वेयर का यूज किया जाता है कहाँ बोलने के लिए। फॉर वॉट इसका यूज किया जाता है किस लिए बोलने के लिए। वेर एवर जहाँ कहीं भी, ये बोलने के लिए। वेन एवर जब कभी, ये बोलने के लिए। क्लोज
क्लोज का यूज किया जाता है बंद बोलने के लिए। स्टिल, स्टिल का यूज किया जाता है फिर भी बोलने के लिए। येट, येट का यूज किया जाता है अभी तक बोलने के लिए। पीपल, पीपल का यूज किया जाता है लोग बोलने के लिए। आस्क, आस्क का यूज किया जाता है पूछना, ऐसा कुछ बोलना हो तब यूज किया जाता है आस्क का। टेल, टेल का यूज किया जाता है बताने के लिए। सून, सून का यूज किया जाता है जल्दी बोलने के लिए। सॉ, सॉ का यूज किया जाता है देखा बोलने के लिए। रैन, रैन का यूज किया जाता है दौड़ा, दौड़ा बोलने के लिए। आउट, आउट का यूज किया जाता है बाहर बोलने के लिए। ऑन, ऑन का यूज किया जाता है पर बोलने के लिए, पर। नाउ, नाउ का यूज किया जाता है अभी बोलने के लिए, अभी। बट का यूज किया जाता है परंतु बोलने के लिए। अबाउट, अबाउट का यूज किया जाता है लगभग बोलने के लिए। देन, देन का यूज किया जाता है फिर बोलने के लिए, फिर। मैनी, मैनी का यूज किया जाता है बहुत बोलने के लिए। हियर, हियर का यूज किया जाता है यहाँ बोलने के लिए। नो, नो का यूज किया जाता है नहीं बोलने के लिए। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का टूवर्ड्स का यूज किया जाता है की ओर बोलने के लिए, की ओर। इनसाइड, इनसाइड का यूज किया जाता है के भीतर बोलने के लिए। आउटसाइड, आउटसाइड का यूज किया जाता है बाहर बोलने के लिए। सो, सो का यूज किया जाता है तो बोलने के लिए। दैट्स वाई, इसलिए बोलने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ऐसा बोलने के लिए। ऑलवेज, ऑलवेज का यूज किया जाता है हमेशा बोलने के लिए, हमेशा। नेवर, नेवर का यूज किया जाता है कभी नहीं बोलने के लिए। समटाइम्स, समटाइम्स का यूज किया जाता है कभी कभी बोलने के लिए। ऑफन, ऑफन का यूज किया जाता है अक्सर बोलने के लिए। फॉर, फॉर का यूज किया जाता है के लिए बोलने के लिए। विथ, विथ का यूज किया जाता है साथ के लिए बोलने के लिए। नो वन, नो वन का यूज किया जाता है कोई नहीं। एवरी वन, एवरी वन मतलब सब लोग। एवरीथिंग मतलब हर चीज। नथिंग मतलब कुछ नहीं। सम मतलब कुछ। ऑल मतलब सभी। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। नोवेयर कहीं भी नहीं। मोर अधिक। लेस कम। बिफोर पहले। आफ्टर बाद में। ओनली, ओनली मतलब होता है केवल। टुडे आज। टू नाइट आज रात। यस्टरडे बीता हुआ कल। टुमारो आने वाला कल। लास्ट नाइट बीती कल रात। नियर, नियर का यूज होता है पास बोलने के लिए। फार मतलब दूर। पुल खींचना। पुश ढकेलना। प्रेस दबाना। ओपन खुला हुआ या खोलना। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त। एग्नी, एग्नी का मतलब होता है व्यथा, व्यथा। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है अधिक, अधिक। एंसियस, एंसियस का मतलब होता है चिंतित, चिंतित। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, उचित। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी, अहंकारी। एस्टॉनिश, एस्टॉनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित करना, आश्चर्यचकित करना। बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, फायदेमंद। बिजारे, बिजारे का मतलब होता है विचित्र, विचित्र। बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है घमंड, घमंड। बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, उधार लेना। बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब होता है सीमा, सीमा। ब्रिस्क,
ब्रिस्क का मतलब होता है तेज तेज। काम, काम का मतलब होता है शांत शांत। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट स्पष्ट। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता क्षमता। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान सावधान। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती चुनौती। चॉस, चॉस का मतलब होता है अराजकता या फिर भ्रम अराजकता या फिर भ्रम। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है सुसंगत सुसंगत। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब होता है सहयोग सहयोग। कमेंस, कमेंस का मतलब होता है शुरू शुरू। कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है करुणा करुणा। कंपिटेंट, कंपिटेंट का मतलब होता है सक्षम सक्षम। कंप्ली, कंप्ली का मतलब होता है पालन पालन। कॉम्प्रिहेंड, कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना समझना। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है एकाग्रचित एकाग्रचित। कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निष्कर्ष। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास आत्मविश्वास। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष संघर्ष। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम परिणाम। कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील विचारशील। कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है सम्मिलित सम्मिलित। कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान योगदान। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है मनाना मनाना। कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग सहयोग। करेस्पॉन्ड, करेस्पॉन्ड का मतलब होता है संवाद करना संवाद करना। क्रिसिस, क्रिसिस का मतलब होता है संकट संकट। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर गंभीर। क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब होता है खेती करना खेती करना। डिबेट, डिबेट का मतलब होता है बहस बहस। डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय निर्णय। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकरण अस्वीकरण। डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है बचाव बचाव। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित निश्चित। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर जानबूझकर। डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग मांग। डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर निर्भर। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है हताश। तो अब मैं बताता हूँ एक ऐसी ट्रिक जिससे आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हो। मान लीजिए कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो आप इस वीडियो को चालू करके कान में एयरफोन लगाकर आप अपना काम भी करते रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना सुनिए। जो जो वर्ड्स मैं बोलूँगा उनको सिर्फ आपको सुनना है, एक बार दो बार तीन बार आपको ऐसे करना है, जिसके वजह से आपको ये वर्ड्स आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे और आपको ऐसे वर्ड्स के मीनिंग आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। सो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आपको लर्निंग वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँ।